हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। यहाँ आप लोगों को बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दी जाती है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन आ चुका है, जहाँ पर TGT ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी आ गई है। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, यह 6329 यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो बच्चे जो हैं वो काफी इंतजार कर रहे थे कि TGT की पोस्ट कब आएगी, क्योंकि PGT की, नॉन टीचिंग स्टाफ की और प्रिंसिपल की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। बच्चों ने फॉर्म भरे भी हैं और 31 जुलाई वहां लास्ट डेट है। अब जो है वो TGT की पोस्ट आ गई है 6329। तो आपका इंतजार खत्म हुआ और आप लोग समय से पहले जो है वो फॉर्म फिल कर दें। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, जहाँ क्या आयु जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए मांगी गई है, क्या योग्यता रहने वाली है और चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी। सारी चीजें हम डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, आपको ध्यान से वीडियो अंत तक सुनना है। SC ST PWD की जो है कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, यह परमानेंट जॉब रहेगी आप लोगों की और बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। तो चलिए, ये जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, तो वन बाय वन हम सारी चीजें देखते हैं ध्यान से। तो 34 पेजेस की ये PDF फाइल है, और जिसमें TGT होस्टल वार्डन मेल, होस्टल वार्डन फीमेल, इनकी जो है अलग अलग पोस्ट है, जिसमें TGT के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी 5660 है वैकेंसी, 335 जो है वह मेल होस्टल वार्डन की है और फीमेल की अकेले 334 है, यानी कुल मिलाकर 6329 वैकेंसी है। अभी जो है वो PRT वाले बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं, इनका नोटिफिकेशन कब आएगा, बिल्कुल जल्द आ जाएगा। आपको पता है 38,000 समथिंग जो है वो वैकेंसी यहाँ पर EMRS में निकाली जाएगी, क्योंकि 700 से अधिक जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं, तो टीचर जो है यहाँ पर बिल्कुल रखे जाएंगे। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, PRT की भी जल्द आ जाएगी, ठीक है। PGT की, नॉन टीचिंग स्टाफ की आ चुकी है, प्रिंसिपल की आ चुकी है, और अब जो है वो TGT की भी आ गई है, और नेक्स्ट जो बारी है वह PRT की होगी, ठीक है। तो जैसे ही PRT का नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को जल्द बता दूंगी। यहाँ पर 6329 जो है वो पोस्ट है आपकी TGT की। सब्जेक्ट जो है वो आपके क्या रहेंगे, तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है और साइंस है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ बिल्कुल अलग अलग, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी राज्य से अप्लाई करें या, ठीक है, किसी भी राज्य के हों आप लोग और यहाँ इन स्कूलों में अप्लाई करेंगे, तो आपको आपके राज्य का जो बेनिफिट है आरक्षण का, वो आपको जरूर मिलेगा। जो भी EWS कैटेगरी का है तो उसको EWS का जो है वो फायदा मिलेगा, OBC को OBC का, SC ST यानी सभी की जो है सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। यहाँ पर अनरिजर्व यानी सामान्य कैटेगरी की जो सीटें हैं वह अगर हम देखें, हिंदी में जो है वो 248 हैं, इंग्लिश में 273 हैं, मैथ में 280 हैं, सोशल साइंस में 273 हैं और साइंस में है 277। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है ये 38,000 वैकेंसी जो है वो फिल की जाएंगी। ये आने के बाद जो है वो कमी अगर होगी तो दोबारा से जो है वो विज्ञापन निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट जो है वो आप देख लें, तो टोटल जो है यहाँ पर 3,311 जो है वैकेंसी है, और जो ये आपके सब्जेक्ट की है। थर्ड जो लैंग्वेज है भाषा से संबंधित, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर जितनी भी भाषाएं हैं देश में हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, ठीक है, और संथाली, ठीक है। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है ये भी आप देख लीजिए, संस्कृत की डिमांड जो है वो काफी स्टूडेंट करते हैं, संस्कृत की जो है वो जब वैकेंसी आए तो आप बताइएगा। तो 358 जो है वो अपने आप में काफी वैकेंसी है, ठीक है, टोटल। और यहाँ पर अनरिजर्व जो है 148 वैकेंसी, इसके अलावा जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ बटी हुई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की है, ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता यहाँ पर छूटा हो। म्यूजिक की वैकेंसी है, आर्ट की है, PET मेल की है, PET फीमेल की है और लाइब्रेरियन की है। तो ये जो है वो 1697 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आई है। तो इन सभी को अगर हम जो है वो मिला लें तो 6329 जो है वो कुल पोस्ट हैं जो है वो TGT ऑल सब्जेक्ट की नजर आएंगी। पेमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT में, यहाँ पर लेवल 7 44,900 से स्टार्टिंग है और 1,42,400 तक आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अदर जो TGT जो पोस्ट हैं, जैसे म्यूजिक, आर्ट, PET मेल, फीमेल है, तो इनका जो है 35,400 से स्टार्ट है और 1,12,400 तक रहने वाली है। और होस्टल वार्डन को यहाँ पर पेमेंट जो मिलेगा वह 29,200 से स्टार्ट होगा और 92,300 तक रहने वाला है, ठीक है।
तो फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग सारी चीजें जो है वो ध्यान से देख लें। पहले एज लिमिट जो है यहाँ पर टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेगी 35 साल तक, जनरल कैटेगरी की जो है रहेगी 35 साल तक। उसके बाद जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक, कितना मिल रहा है तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है पोस्ट वाइज, तो हम पोस्ट वाइज जो है वो देख लेते हैं। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, 3 सालों में आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में आपने 3 साल पढ़ा हो अपने बैचलर डिग्री में। टीजीटी मैथ के लिए आपने बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक, इसके साथ में आपने फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक आपने पढ़ा होना चाहिए। यानी बैचलर डिग्री में मैथ के साथ इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, चाहे केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है या फिर स्टैटिस्टिक हो सकता है। इसके अलावा भी और भी इसके अलावा और ऑप्शन हैं, इनको आप जो है वो देखिए। टीजीटी साइंस के लिए मांगा गया है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सब्जेक्ट है इनमें 3 साल जो है वो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टीजीटी सोशल साइंस की जो है वो आप देखिए, यहाँ पर यहाँ कहा गया है कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। ज्योग्राफी के साथ में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। हिस्ट्री या ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडी फॉर ऑल 3 ईयर इन द ग्रेजुएशन, या आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ही ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो यहाँ पर है कंडीशन, इन केस ऑफ ऑनर डिग्री, ऑनर डिग्री वाले जो है इन्होंने हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। तो जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर डिग्री किया है तो उनके पास जो है 2 सालों का कोर्स होना चाहिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में उनकी ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये तो है सभी टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के। थर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कंसर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आपने लैंग्वेज पढ़ी हो 3 साल अपने डिग्री कोर्स में। ठीक है, यानी कि बीए में। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑल टीजीटी के लिए जो है सी टेट यहाँ पर मांगा गया है, तो सी टेट जो है वो सभी का क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में बीएड मांगी गई है। तो यहाँ पर जो है वो मैं लिख देती हूँ कि ग्रेजुएशन जो है टीजीटी में कंपलसरी है आपके, प्लस सी टेट पेपर 2 जो है वो आप लोगों का पास होना चाहिए, प्लस बीएड, ये जो है वो रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में जो है 3 साल जो है वो आपने, 3 साल जो है वो आपने पढ़ा हो जो सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है म्यूजिक के लिए है, 35 साल एज है, एज रिलैक्सेशन जो है वो अदर कैटेगरी को मिलेगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ आपने जो है किया हो बीए बैचलर डिग्री। टीजीटी आर्ट के लिए भी 35 साल है यहाँ पर, यहाँ पर डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपने बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट में किया हो किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी 35 साल है, सभी के लिए 35 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ध्यान से जो है वो आप देख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए भी 35 साल है, यहाँ पर डिग्री मांगी गई है आपकी लाइब्रेरी साइंस में। डिग्री का मतलब यानी आपने 3 साल जो है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा, या आपने डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। हॉस्टल वार्डन की जो है काफी वैकेंसी है मेल एंड फीमेल की, यहाँ भी 35 साल जो है रहेगी आपकी, एज रिलैक्सेशन जो है वो सभी को मिलेगा यहाँ पर जो भी आरक्षित वर्ग हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, या आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हॉस्टल वार्डन की, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया ग्रेजुएशन प्लस सी टेट प्लस बीएड,
टीजीटी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 35 साल जो है वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर एज रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो है वो सभी को मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो आप लोग देख लीजिए कौन सी कैटेगरी को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो 35 साल तो जनरल की है, इसमें 5 साल जो है वो एससी एसटी जो है वो मिला लें, यानी कि 40 साल तक के जो है वो भर पाएंगे। इसी तरीके से जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ओबीसी वाले, तो उनको 3 साल की छूट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और एलिड कैडर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल जो है वो अगर लगातार जो है वो सर्विस की हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उन कैंडिडेट को जो 5 साल की छूट मिल रही है। नेक्स्ट जो है वुमेन की, वुमेन जो है वो ऑल सब कैटेगरी की। इसी तरीके से पीजीटी में भी जो है वुमेन के लिए कहा गया था 10 साल, तो यहाँ पर जो है 10 साल की छूट मिलती है। यानी 35 साल जो है वो जनरल की है, इसमें 10 आप मिला लेंगे तो हर महिला जो है यहाँ पर 45 साल तक फॉर्म भर सकती है। तो हर एक भर लेगा यहाँ पर, ऐसा किसी के लिए एज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। यहाँ आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, और ओएमआर बेस्ड यानी पेन पेपर मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा। एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, तो एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आपका 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, और लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश जो है वो आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो इसके ऊपर जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगी सिलेबस के लिए। तो लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो 18 अगस्त 2023 है, लेकिन आप जो है वो आज या कल में जो है वो भर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, एक बार आपको यहाँ जॉब मिल गई तो आपकी जो है वो लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। टीजीटी जो है यहाँ पर, टीजीटी जो है इन ऑल सब्जेक्ट की फीस जो है वो 1500 रुपये है। हॉस्टल वार्डन की जो फीस है वह 1000 रुपीज़ है। तो आप ये ना देखें कि ये 1500 रुपये जो है वो आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एक बार जॉब मिल गई तो आपकी सैलरी जो है वह आपकी इतनी अच्छी होगी आप 1500 रुपये भी भूल जाएंगे। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस सी एस टी पी डब्ल्यू वी डी कैटेगरी। तो इनकी कोई भी जो है फीस नहीं लगने वाली है, तो इनको जीरो पे करना होगा। तो आप लोग जो है वो जरूर फॉर्म भरिएगा, ऐसा मौका जो है वो आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हैं आप लोग तो अपने ही स्टेट में जो है वो आप लोग जॉब लेंगे। जो EMRS है वह पूरे भारत में खोले गए हैं, 700 स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी एज रिलैक्सेशन है वह आपको आपके राज्य का मिलेगा। तो नेक्स्ट जो जैसे ही नोटिफिकेशन PRT का आता है वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो आप लोग भी तैयार रहें, PRT की भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।